अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे मौसम को। तो क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं, मैंने स्वेटर स्वेटर पहन लिया है, लेकिन हायर आप सब भी पहन लें, ठीक है। और बी अवेयर ऑफ कोरोना वायरस, ठीक है। आप लोगों ने कोरोना वायरस को भी जहन में रखना है और अपने सारे सारे प्रिकॉशंस लेने हैं ताकि आप लोगों की तबीयत खराब ना हो। तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है डोनाल्ड डक। तो मैंने डोनाल्ड डक तो नहीं बनाई है, ठीक है, लेकिन मैंने डक बनाई है, वॉल आर्ट किया है मैंने, ठीक है। ये डक मैंने इसलिए बनाई है ताकि जो इस रूम में एक बेबी सोता है तो उसके लिए बनाई है ताकि वो इसको देख के खुशबाश रहे, ठीक है। वो इसके साथ बातें करती रहती है, खेलती रहती है। तो आप लोग भी इस तरह का अपने वॉल पे बना सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत आसान है, मैंने इस पे क्रियॉन्स यूज नहीं किए हैं, पोस्टर पेंट के साथ बनाया। पहले मैंने सोचा कि मैं क्रियॉन कलर के साथ बना लेती हूँ एक छोटा सा, लेकिन बनाते बनाते मैंने कहा एक बड़ा सा बना लेते हैं, ठीक है। ये वाली भी बनाना सिखाऊंगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं किसी और वॉल के ऊपर किसी कॉर्नर पर ये बनाऊंगी और आप लोग देखिएगा बहुत ही प्यारी करके। अभी तो ये बनाई है, इसमें ज्यादा कलर यूज नहीं हुए हैं, थोड़े से कलर यूज हुए हैं, येलो, ऑरेंज, रेड और पिंक, ठीक है। तो ये कलर की मदद से अगर आप लोग ये कलर बाय कर लेते हैं तो आप बहुत सारे बना सकते हैं, स्केच वगैरह ड्राइंग कर सकते हैं। इजी टू ड्रॉ है ये, ठीक है, बहुत ही आसान है, आप इसे बना सकते हैं, ठीक है। पूरी वीडियो को देखें, आप लोगों को एक एक स्टेप पता चल जाएगा कि किस तरह से आपने इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। और आप इसका स्क्रीन शॉट ले लें, ठीक है। अब आपने स्क्रीन शॉट ले लिया, अब आपके लिए आसान हो गया है ये बनाना और ज़्यादा कलर्स भी यूज़ नहीं हुए हैं, ठीक है। इतनी मेहनत भी नहीं लगी, बहुत ही आसानी से 5 मिनट के अंदर अंदर आप लोग इसे ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। जब आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए इस पे तो आप लोग और भी बहुत सारे स्केच बना सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको पोस्टर पेंट की हेल्प से बनाया था। आप डिफरेंट कलर, आपके पास क्रियॉन है क्रियॉन यूज़ कर लें, ठीक है, या आपके पास पेंसिल कलर्स हैं आप पेंसिल कलर यूज़ कर लें, ठीक है। ट्यूब कलर्स हैं ट्यूब यूज़ कर लें, कोई भी कलर आपके पास है आप उससे ये बना सकते हैं। मैंने पोस्टर पेंट से इसलिए बनाया क्योंकि मैंने दीवार पर बनाया, ठीक है। डायरेक्ट मैंने इसको वॉल के ऊपर बनाया, मैंने किया है। ये तो सारा इंट्रोडक्शन था इस वीडियो का, तो चले आप देखें कि ये मैंने किस तरह से बनाया है, ठीक है। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा, अगर पसंद आए तो अपनी फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कीजिएगा, जिन बच्चों को इसका शौक है उनके साथ भी शेयर कीजिएगा और जरूर पूरी वीडियो देखिएगा। बहुत मेहनत से बनाया मैंने, इतनी ठंड में खड़े होकर, ठीक। सबसे पहले आपने अपनी जो पिक्चर ड्रॉ करनी है उसको किसी मोबाइल पे या किसी बुक से या किसी भी न्यूज़पेपर किसी भी चीज़ के ऊपर वो ड्रा हुई होगी उसको अपने सामने रख लेना है, ठीक है। मैंने तो गूगल से सर्च किया था, आप कहीं से भी सर्च कर सकते हैं। और मेरी शरारतों को आप लोगों ने करना है इग्नोर, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे के बाद ये बना रही हूँ। तो चलें, अब मैंने इसकी एक आँख बना ली है, ठीक है, और उसके बाद मैंने इसकी चोंच बना लिया, जिसको आप लोग चोंच कहते हैं, यानी इसका डक का माउथ बना लिया मैंने, ठीक है। ये देखें, ये इसका हो गया माउथ कंप्लीट। लेड पेंसिल की मदद से आप लोगों ने ड्रॉ करना है वॉल के ऊपर, जिस जगह पे आप लोगों ने ड्रॉ करना है, जितना बड़ा आप लोगों ने ड्रॉ करना है, अपना इन चीज़ों को अपने ध्यान में रखते हुए इसको मैं ड्रॉ कर रही हूँ। इसकी एक आँख मैंने पहले बनाई, फिर चोंच बनाई और अब मैंने इसकी दूसरी आँख बना दी है। तो अब मैं इसका हेड बनाऊँगी, ठीक है। तो ये हम मैंने ड्रॉ कर लिया है इसका हेड, ठीक है, जो कि राउंड है, थोड़ा सा पीछे से इसके फैदर्स हैं तो वो ड्रॉ कर लिए हैं। और ये मैं इसलिए बना रही फिर से शरारतें करते हुए आप मुझे देख सकते हैं ताकि आप लोग बोर ना हो। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी ये बनाते हुए, मेरी रिंग लाइट किसी ने बंद कर दी है और जब मैं रिंग लाइट चलाती हूँ और उसके बाद हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं इसको। तो अब आप लोग क्लियरली देख सकते हैं रिंग लाइट बंद हुई है तो लेड पेंसिल से कितना अच्छा बना है। हमने रिंग लाइट जला ली है और हम स्टार्ट हो गए हैं दोबारा से बनाना। तो ये देखें कि इसको किस तरह से आप लोगों ने बनाना है। मैंने इसका बाकी पार्ट्स बना दिए हैं, ठीक है, और इसका हैंड जो था थमअप, साइन थमअप था। तो आप लोगों ने भी मेरी सारी वीडियोस पे थमअप करना है, बहुत सारे कमेंट्स करने हैं और मुझे बताना है कि आप लोगों को ये कैसी लगी। अब मैंने इसकी जो लेग्स हैं वो भी बना ली हैं, ठीक है। थोड़ा सा मुझे लगा मैंने लेग गलत बना ली थी, इसलिए मैंने थोड़ी सी करीब करके दूसरी लेग की बनाई है। अगर ड्राइंग करते हुए कोई गलती हो भी जाती है तो इट्स ओके, आप लोग बाद में कलर करते हुए उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। मैंने अब इसको फाइनल टच दे दिया है लेड पेंसिल की मदद से, ठीक है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, अब हमने इसके अंदर पेंट करने हैं। तो ये देखिए हमने ये बना ली है, अब हम इसके अंदर पेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम येलो पोस्टर पेंट लेंगे, ठीक है, और वो इसके पूरी बॉडी के अंदर हमने करना है, ठीक है, क्योंकि हम डक बना रहे हैं और टक पे येलो कलर बहुत अच्छा लगता है और जो बच्चे हैं वो बहुत ही प्यार से इसको देखते हैं, ठीक है। आप जितने भी पेरेंट्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, सिस्टर्स देख रहे हैं, मैंने पहले भी बताया आप लोग अपने बहन भाइयों के, कज़न्स के, किसी के भी रूम में, अपने रूम में भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं।
तो ये बहुत ही प्यारी लगती है, यकीन माने जो भी आता है वो ज़रूर पूछता है कि ये किसने ड्रॉ किया है, और बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, हेयर येलो कलर हमने इसके हेड हेड में कर लिया है, और ये प्यारी सी शहजादी प्यारी सी शरारतें करते हुए आपके सामने हाजिर है। मेरी सारी वीडियोस को आप लोगों ने देखना है क्योंकि मैं यूट्यूब पे नई हूँ। सपोर्ट करें मेरे प्यारे फैंस, और मैं अपने फैंस की बहुत कदर करती हूँ। अगर मुझसे कोई बात करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में भी बता सकते हैं, ठीक है, या कोई भी चीज़ रिलेटेड टू ड्राइंग आप पूछना चाहते हैं तो भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। अब जी हमने ये येलो कलर जो है पूरा इसके अंदर करना है। आपको मैं एक और बात बताते चलूँ कि जो हमारे पास पेंसिल है इसके ऊपर ऊपर करना है, और जहाँ से आपको लगता है कि सही नहीं है आप थोड़ा सा बाहर भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं अब वीडियो को फास्ट, फेस एरिया के लिए हमें रेड ऑरेंज और पिंक और ब्लू कलर चाहिए। ठीक है, अब हम इसकी चोंच में कलर करेंगे जो कि ऑरेंज है, और वही ऑरेंज कलर हम फीट में करेंगे, तो इसलिए हम लेने लगे हैं दूसरा ब्रश। और ब्रश आप लोगों ने चेंज करते रहना है, अगर आपके पास ज़्यादा ब्रश नहीं है तो आप ब्रश को वॉश कर लिया करें। कि लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर थम्स अप पे क्लिक करना है, एंड लव यू ऑल। अपना सब लोग बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।